हेलो एवरीवन, आईटीआई भारत इसके यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो है आईटीआई फीटर फर्स्ट वालों की क्लास है, जिनका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप अभी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नज़दीक एग्ज़ाम है। इसलिए जितने मैं आपको क्वेश्चंस करवाता जा रहा हूँ इनको विधिवत तरीके से अच्छे से याद करते चलिए। तो आज जो हमारा वो है ड्रिलिंग वाला टॉपिक फर्स्ट मॉड्यूल चल रहा है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने प्रीवियस अगर वीडियो नहीं देखी तो हमारी प्ले लिस्ट बनी है आईटीआई फीटर फर्स्ट ईयर के नाम से, आप वहाँ जाकर इन क्लासेस को अच्छे से ज़रूर देख लें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर अगर पहली बार बैठ कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जो ऑल की घंटी है वहाँ पर प्रेस कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया गया, देखिए यहाँ पर अच्छे से कि यहाँ पर दिया गया कि ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देश, यहाँ पर जो दिया गया ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देश यहाँ दिया गया 41A46H5U8 में 5 क्या दर्शाता है। तो जो 5 दिया गया है वो किसको दर्शाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा, यानी हम किसको स्ट्रक्चर यानी संरचना को दर्शाता है। अच्छे से याद कर लेना किसको दर्शाता है, संरचना को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया ड्रेसिंग कॉस्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिए का उपयोग किया जाता है। तो कौन से पहिए का उपयोग करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, सिलिकेट बॉन्ड होगा या फिर सेलेक बॉन्ड होगा या रबर बॉन्ड होगा या रेजिनोइड बॉन्ड होगा। तो इसमें से आपको बताना होगा राइट आंसर कौन सा होगा। सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन से, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारे यहाँ पर आएगा क्या रेजिनोइड बॉन्ड इसका राइट आंसर होगा, जो क्या होता है ड्रेसिंग कॉस्टिंग के लिए ढलाई में जो होता है बॉन्डेड पहिए में उपयोग किया जाता है। इसलिए अच्छे से याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 83 नंबर का, देखिए स्क्रीन पर। इसमें दिया गया सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंडिंग जो होता है ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार के अब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। तो किसका करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर चार ऑप्शन देंगे, जल्दी बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन से। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, तो जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या हरा सिलिकॉन कार्बाइड इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 84 नंबर क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। इसमें दिया गया एक वर्नियर जो माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीज़न का मान पूछा गया, तो मान कितना होता है। देख सकते हैं आपको सामने चार वैल्यू दी गई, इसमें से आपको सही वैल्यू कमेंट करना, तो जल्दी से गेस करके बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन से। तो जल्दी से कमेंट करें, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो, यानी हमारा क्या होगा 0.009 mm यानी मिलीमीटर का राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। इसमें दिया टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में जो चिन्हित जो भाग दिया गया है, जो एक्स से चिन्हित जो भाग दिया गया इसका आपको नाम बताना। तो देख सकते हैं यहाँ पर चार ऑप्शन से दिए गए, इसमें से आपको गेस करके बताना कौन सा राइट होगा। तो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे सभी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा, यानी हम प्लंजर लॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको प्लंजर लॉक बोलते हैं, जैसे कि आपके सामने दिया गया इसको बोलते हैं प्लंजर लॉक। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों रहा, ये रहा। इसमें दिया गया देखिए यहाँ टूटे हुए स्टैंड को निकालने की विधि बताना, जो टूटा जो स्टैंड दिया गया इसको निकालने की कौन सी विधि का यूज़ करेंगे आपको बताना है। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन से कौन सा राइट आंसर होगा जो टूटे हुए स्टैंड को निकालने के लिए यूज़ करेंगे। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जल्दी बताएं इसका राइट आंसर चार ऑप्शन से कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी इसमें क्या होगा एजी आउट का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे किस विधि का, एजी आउट का उपयोग करेंगे। अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर दिया गया कि जो मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्ट आयरन का जो व्यापक रूप
उपयोग क्यों किया था, क्यों उपयोग करेंगे, देख सकते हैं आपके सामने चार ऑप्शन से देंगे, सभी साथी कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी कर लीजिए, वही आपको फ़ायदा करेगा आपका CBT एग्ज़ाम में। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। इसमें क्या होगा, मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल, मतलब क्या होगा, मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल होता है। जो मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्ट आयरन का जो उपयोग करते हैं, ये क्या होता है, मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 88 नंबर दिया गया है, देख सकते हैं M20x15 के लिए टैप ड्रिल का साइज क्या है। तो टैप ड्रिल का साइज पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा साइज़ होना चाहिए। तो सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर जल्दी से, चार ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए, गेस किया करेंगे सभी राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करें, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा, यानी कितना ड्रिल साइज होना चाहिए, 18.5 इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लेना 18.5। अगला क्वेश्चन हमारा 89 क्वेश्चन दिया गया, इसमें दिया गया 16 मिलीमीटर जो रीमर के लिए ड्रिल छेद का साइज है, तो कितना साइज़ होना चाहिए 16 मिलीमीटर रीमर के लिए ड्रिल छेद का साइज़। तो आप देख सकते हैं चार ऑप्शन से दिए गए, तो जल्दी से कमेंट करें इसमें से कौन सा राइट होगा। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कमेंट करके। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारा कितना होगा 15.75 मिलीमीटर इसका साइज़ होना चाहिए। अच्छे से याद कर लेना 15.75 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा 90 नंबर देखिए, ये डायग्राम संबंधित क्वेश्चन है। इसमें दिया गया एक्स चिन्ह जो भाग है उसका नाम बताना है, जैसे कि आपके सामने ये दिया गया एक्स चिन्ह जो भाग दिया गया यहाँ पर, इसका नाम बताना क्या है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया, इसमें से आपको करेंट करना है राइट आंसर राइट कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा। इसको हम बोलते हैं वेबल पिनियन बोलते हैं, क्या बेबल पिनियन बोलते हैं, जैसे कि आपको सामने चित्र से दिया गया ना ये वाला एक्सचेंज, इसको बोलते हैं बेबल पिनियन बोलते हैं, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया कि 5-10 मिलीमीटर की रीमिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद का साइज क्या है। तो कितना साइज होना चाहिए, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिया गया चार ऑप्शन, आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी गेस करेंगे। अब दोस्तों जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी कर लीजिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसलिए बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, यानी क्या होगा 9.75 मिलीमीटर का राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लेना कितना है, 9.75 मिलीमीटर का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया गया है यहाँ पर कि जो हैंड रीमर में एक्स से चिन्ह जो भाग है इसका आपको नाम बताना है, जैसे कि यहाँ पर एक्स जो चिन्ह जो भाग दिया गया इसका आप नाम बताएं कमेंट करके क्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं आपको सामने चार ऑप्शन दिए हैं, इसको दिया जो टेपर लीड है, वेबल लीड है, या सर्कुलर लीड है, या टेपर लीड एंगल होगा, तो इसमें से राइट कौन सा ये आपको बताना। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर चार ऑप्शन से कौन सा होगा। तो सभी बताएं इसका राइट आंसर चार ऑप्शन से। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा टेपर लीड एंगल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 93 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें दिया गया ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों होते हैं। तो क्यों होते हैं, देख सकते हैं आपको सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, अच्छे से पढ़िए, आपको बताना होगा इसमें से राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। और सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा 93 का ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा कटिंग एज की असमान लंबाई इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94 नंबर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। इसमें दिया गया थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में जो होता क्या होता है चम्फरिंग के लिए काउंटर जो होता सिंक का कोड पूछा गया। तो काउंटर सिंक का कोड कितना होगा, देख सकते हैं ऑप्शन दिया 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो इसमें से आपको बताना करेक्ट कौन सा होगा, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर होगा, यानी कितना डिग्री होना चाहिए 120 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लेना कितना डिग्री, 120 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 95 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया इस थ्रेड का नाम क्या, जैसे आपके सामने एक चित्र दिया गया इस थ्रेड का आपको नाम बताना। तो देख सकते हैं आपके सामने चार ऑप्शन दिएगा, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देखे सभी कमेंट करेंगे। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर।
तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी क्या होगा इसका चार ऑप्शन से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 95 का ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर डी इस राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें क्या होगा सॉ टूथ ट्रेड, इसको बोलते हैं सॉ टूथ ट्रेड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया एक्स से चिन्हित जो भाग है इसका आपको नाम बताना, जो एक्स से चिन्हित जो भाग दिया गया इसको नाम आप कमेंट करें, इसको रूट बोलते हैं, पिच बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, हेलिक्स कोण बोलते हैं, क्या बोलेंगे जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इसको हम बोलते हैं हेलिक्स कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हेलिक्स कोण बोलते हैं इसको, ठीक है अच्छे से याद कर लेना क्या बोलते हैं हेलिक्स कोण। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा 97, अच्छे से देखिए इसमें दिया गया डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया गया है, तो जो डाई स्टॉक होता है उसमें केंद्र में स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है, ऑप्शन से दिएगा आपके स्क्रीन पर जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमारा दिएगा डाई को कसने के लिए, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, या आंतरिक थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए, ऑप्शन डी हमारा बाहरी थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए, तो इसमें से कौन सा राइट हो ये आपको बताना। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें, जितने भी स्टूडेंट भी सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी हमारे यहाँ पर क्या होगा कट की गहराई को समायोजित करने के लिए इसका राइट आंसर होगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कर लेना इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन जब हमारे चलते हैं 98 पर आ चुके हैं, इसमें देखिए इसमें पूछा मैट्रिक वी थ्रेड्स का जो होता सन्निहित कोण क्या है, तो सन्निहित कोण का पूछा गया मान, तो जैसे 45 डिग्री होगा, 29 डिग्री होगा, या 60 डिग्री होगा, या 47 1/2 डिग्री होगा, तो बताएं इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो कमेंट करेंगे सभी साथी बताएं इसका राइट आंसर चार ऑप्शन से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 98 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कितना डिग्री होगा 60 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, अच्छे से कितना 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर कोई जो ग्राइंडिंग व्हील जो कि दिया गया है, ग्राइंडिंग व्हील के मानक अंकन प्रणाली में 46 क्या दर्शाता है, जैसे कि आपके सामने एक मानक जो अंक दिया गया है 32A46H8V, तो 46 किसको दर्शाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट हमारा दिया है ग्रेड को या ग्रेन साइज को या बंधन का प्रकार को या आकर्षण का प्रकार को, बताएं इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, किसको दर्शाता है ये ग्रे साइज को, ग्रेन साइज को, मतलब ग्रेन साइज को दर्शाता है, ठीक है अच्छे से याद कर लेना इसको किसको दर्शाता है ग्रेन साइज को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर दिया गया जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण का क्या नाम है, जैसे कि आपके सामने एक चित्र दिया गया इसका आपको नाम कमेंट करके बताना, तो इसको क्या बोलते हैं कि ब्रेस्ट प्लेट बोलते हैं, बेवल पेनियन बोलते हैं, या फिर फ्रेम वर्क बोलते हैं, या लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं, बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन से। तो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क बोलते हैं, क्या फ्रेमवर्क इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, इसमें दिया गया दोस्तों यहाँ एल्यूमिनियम धातु का रंग कैसा है, मतलब जो एल्यूमिनियम धातु होती है उसका रंग पूछा गया, कलर पूछा गया कैसा है, और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, मंद सफ़ेद होगा, सफ़ेद होगा, चमकदार होगा, या जो ब्लूइश ग्रे रंग का होगा, इसमें से कौन सा राइट है सभी कमेंट करेंगे और आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कैसा होता है सफ़ेद रंग होता है, जो एल्यूमिनियम होता है वो किस रंग का होता है सफ़ेद रंग का होता है, अच्छे से याद कर लेना सफ़ेद रंग का, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हमारा 102 नंबर क्वेश्चन का दिया गया, इसमें दिया गया जो ग्राइंडिंग व्हील जो इसमें मान दिया गया है कि 32A46H8V के वी निर्देशन में एच क्या दर्शाता है, जो एच है वो किसको दर्शाएगा, देख सकते हैं ग्रेन साइज को, आकर्षक का प्रकार को, या ग्रेड को, या फिर स्ट्रक्चर को, बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट आंसर चार ऑप्शन से कौन सा है, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके, तो बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करें हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी हम क्या बोलेंगे जो होता है एच किसको दर्शाता है ग्रेड को दर्शाता है, अच्छे से याद कर लें किसको ग्रेड को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 103 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसमें दिया गया है क्यों जो होता है प्रीशिएशन उपकरण जो इन वार स्टील के बने होते हैं, तो जो क्यों बने होते हैं इसका पूछा गया,
तो देख सकते हैं स्थापित के लिए लागत में सस्ता होता है या सतह परिष्करण का अच्छा है। ऑप्शन डी हमारे विस्तार का कम गोड़ा का। तो बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। तो बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 103 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, यानी क्यों किया जाता है इसका उपयोग, विस्तार का कम गुणांक के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर होगा। अच्छे से कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग की गणना करें। देख सकते हैं आप सामने एक चित्र दिया गया, इसकी गणना करनी है। तो अगर आपने अपने आईटीआई में इस तरह का अगर प्रैक्टिकल करे हैं तो आप आसानी से इसको राइट आंसर बता सकते हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी हमारा कितना मान आएगा 9.963 मिलीमीटर का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 105 नंबर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। इसमें पूछा गया जो ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर यानी प्रवाही के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं, क्यों मिलाएंगे। देख सकते हैं आपके सामने यहाँ दिया गया ऑप्शंस। फर्स्ट जो होता है मोल्टर स्लैग बनाने के लिए, या ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, या कोक में कार्बन को जलाने के लिए, अयस्क का घुलन बिंदु बढ़ाने के लिए। तो इसमें से राइट आंसर गेस करके बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर जैसे कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी क्यों करते हैं हम, मोल्टर स्लेग को बनाने के लिए इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से याद करना क्या होता है, मोल्टर स्लेग को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों 106 ये रहा। इसमें दिया गया क्वेश्चन को देखिएगा, कौन से माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है। तो किसमें होता है, देख सकते हैं चार ऑप्शन से दिए गए, इसमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहा है हमारा 106 का ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा, थ्रेड जो होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। इसमें दिया स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा जो वायर चैन का जो स्वरूप निश्चित करता है, मतलब निश्चित करता तो कौन सा करेगा। दे सकते हैं आप ऑप्शन दिए हैं, चूड़ी का कोण है, चूड़ी का प्रकार, और पिट्स दिया गया है, और रूट एंड क्रस्ट दिया गया है, और प्रमुख व्यास दिया गया था। इसमें से कौन सा सही हुआ ये आपको गेस करके बताना। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या चूड़ी का प्रकार और पिट्स इसका जो पिच होता है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका हीरा स्क्रीन पर आ चुका आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। इसमें दिया गया टेलीस्कोपिंग गेज से क्या मापा जाता है। जो टेलीस्कोपिंग गेज अगर आपने आईटीआई में देखा हुआ तो इससे क्या मापते हैं आपको बताना राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट करेंगे कि गहराई नापते हैं या बाहरी डायमेंशन या कोणीय डायमेंशन, या दिया गया छिद्र स्लॉट और रिसोर्सेस। तो इसमें से कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है। तो जल्दी से गेस करके बताएं इसका राइट आंसर चार ऑप्शन से कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 108 का डी उनका राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा, छिद्र स्लॉट और रिसोर्सेस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होगा, देख सकते हैं कच्चा लोहा यहाँ पर दिया, पिग आयरन, कास्ट आयरन, या फिर लोहा या नर्म लोहा। तो बताएं इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, जो ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है ये पूछा गया। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथ इसका राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करके आएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मतलब क्या होगा, कच्चा लोहा उत्पन्न किया जाता है किससे, ब्लास्ट फर्नेस से। अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया 110 नंबर को समझिए, इसमें दिया गया टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम का माप पूछा गया, तो कितना होता है। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिया गया, इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। दोस्तों जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी कर लीजिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 110 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी कितना मान होगा, 8.0 मिलीमीटर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, यहाँ पर डायग्राम संबंधी क्वेश्चन दिया गया। इसमें दिया गया 8 मिलीमीटर आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं आपके सामने गेज दिया गया, इसका आपको नाम बताना है कौन सा गेज है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें से कौन से गेज का उपयोग करेंगे तो जल्दी बताएं कमेंट करके, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर करके आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी छोटा छेद गेज इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा 112, इसमें दिया गया कास्ट आयरन में मशीन टूल्स के टूल जो होते हैं चटर को कम करने की क्षमता होती है, तो किस में होती है, ग्रे कच्चा लोहा में या सफ़ेद कच्चा लोहा में या गांठदार कच्चा लोहा में या निंदनीय कच्चा लोहा में। तो बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा, सभी साथी बताएंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी ग्रे कच्चा लोहा इसका राइट आंसर होगा, अच्छे से याद कर लेना, ग्रे कच्चा लोहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया इस फिट का नाम क्या है, जैसे आपके सामने चित्र दिया गया, इस फिट का नाम कमेंट करना है, तो क्या बोलते हैं, देख सकते हैं फर्स्ट हमारा दिया गया ट्रांजिशन फिट बोलते हैं, क्लियरेंस फिट बोलते हैं, या फिर आपके सामने दिया गया श्री केज फिट या फिर इंटरफेरेंस फिट। बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर करके आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इसको बोलते हैं क्लियरेंस फिट बोलते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लियरेंस फिट इस राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक था ड्रिलिंग से संबंधित, जितने भी आपके क्वेश्चन से दिए गए नेमी पैटर्न के सारे मैंने आपको करवा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही लगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।